दोस्तों आप सबका स्वागत है आप सबके अपने चैनल अरहान एंटरटेनमेंट में। मैं हूँ राशि शेख। तो आज हम लोग बात करें दबंग थ्री के बारे में। देखिए दबंग थ्री के बारे में मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया, अगर आप लोग चाहे तो चेक कर सकते हो। अब फाइनली दो दिन भी नहीं बोल सकता, अभी वेनेसडे हो गया और कल थर्सडे, परसों मूवी रिलीज होने वाली है। तो आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोगों के मन में एक डाउट है कि यार भाई इस बार बहुत ज्यादा प्रमोशन कर रहे हैं फिल्म का, क्या फिल्म वाकई में अच्छी है या एकदम ही खराब बनेगी, भाई को भरोसा नहीं कि फिल्म नहीं चलेगी। लेकिन मैं आज उन लोगों का डाउट क्लियर कर देता हूँ। देखिए अब ऐसा हो गया, अब ऐसा माहौल हो गया कि चीजों को प्रमोशन करना बहुत जरूरी है। अब प्रमोशन की वजह से एक ऐसी सरकार जीती आगे जो पूरी बैंड बजा रही है, तो फिर एक तो छोटी सी एक फिल्म है इसका प्रमोशन करना तो लाजमी है। क्योंकि देखिए इसमें साउथ के एक सुपरस्टार हमें नजर आने वाले, वो है किच्चा सुदीप। तो किच्चा सुदीप की फिल्में बहुत से जो इंडियन ऑडियंस नहीं देखी होगी, लेकिन मैं पर्सनली उनका बहुत बड़ा फैन हूँ और मैं उनकी फिल्में देख चुका हूँ। मुझे पर्सनली उनकी फिल्में अच्छी भी लगती है, उनका जो एक्टिंग परफॉर्मेंस है वो अलग है। और कितनी उनकी फिल्मों का रीमेक हिंदी एक्टर्स ने किया है, अगर आप लोगों को नहीं पता होगा तो उन्होंने सिंघम भी की है, उन्होंने तेरे नाम पिक्चर भी की है, तो वो तो अलग बात है। अब मैं बताता हूं सलमान खान इसका प्रमोशन क्यों कर रहे थे। देखिए ये एक मल्टीपल लैंग्वेज में रिलीज हो रही है, तो अब जिस लैंग्वेज में जैसे तमिल हो गया, तेलुगु हो गया, कन्नड़ा हो गया, तो अगर सलमान खान की मूवी उसमें रिलीज हो रही है और सलमान खान खुद उनकी सिटी में नहीं जाएंगे तो उन लोगों को लगेगा भाई इसको तो कुछ मतलब ही नहीं हमसे। तो इसी वजह से सलमान खान भी, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो चेन्नई, कर्नाटका, हैदराबाद, बेंगलोर सब जगह जा रहे प्रमोशन करने, तो उससे फायदा ये होगा कि भाई उन लोगों को भी लगेगा हाँ यार ये एक्टर भी खुद इंटरेस्टेड है, ये भी चाहता कि हम इनकी फिल्में देखें। ये किच्चा सुदीप के फैंस तो इस फिल्म को देखेंगे, लेकिन साथ साथ जो सलमान खान है एक हाउस होल्ड नेम है इंडिया में, ऐसा कोई होगा नहीं सिनेमा लवर जो सलमान खान को नहीं पहचानता होगा। उनकी जो फ्लॉप फिल्म भी होती है ना जो ऑडियंस को पसंद नहीं आती, वो भी 250 करोड़ प्लस का बिजनेस करती है। आप सोचो अगर दबंग थ्री हिट हो गई तो ये 500-600 करोड़ तो इजीली कमा लेगी। उसके अलावा दबंग थ्री की जो खास बात है वो है सलमान खान, क्योंकि जो चुलबुल पांडे का जो रोल है वो सलमान खान के अलावा कोई एक्टर कर ही नहीं सकता। कुछ रोल्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक ही एक्टर के लिए बने जाते हैं, और मुझे ऐसा पर्सनली फील हुआ जैसे कि शाहरुख खान, उनके लिए वो एक रोमांटिक रोल होता है वो सिर्फ उन्हीं के लिए बना, उनसे अच्छा कोई कर ही नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल DDLJ का राज। उसके अलावा मैं हॉलीवुड की बात करूं तो आयरन मैन का रोल रॉबर्ट डॉनी जूनियर के अलावा कोई भी एक्टर कर नहीं सकता, उसको सोच भी नहीं सकता इंसान। वैसे ही चुलबुल पांडे का रोल कोई भी सलमान खान के अलावा कर नहीं सकता, और सलमान खान दबंग फ्रेंचाइज की जान है और इसी तरीके से फ्रेंचाइज को आगे बढ़ते रहना चाहिए। क्योंकि देखिए ये एंटरटेनमेंट है, आपको दबंग थ्री से कुछ ऐसा सीखने बीखने कुछ नहीं मिलता, ये सब फालतू की बात है। दबंग थ्री सिर्फ एक मास ऑडियंस के लिए बनाई गई फ्रेंचाइज है और मास ऑडियंस बहुत पसंद करती है, क्योंकि इसके सॉन्ग अच्छे होते हैं और डायलॉग तो ऐसे होते हैं कि 2010 में जो दबंग आई थी उसके डायलॉग लोग आज भी बोलते हैं, तो इसके डायलॉग हमेशा की तरह फाड़ू होती है। उसके अलावा यहाँ पर जो देखने वाली बात है वो है प्रभु देवा, क्योंकि प्रभु देवा पहली बार दबंग फ्रेंचाइज को डायरेक्ट करे, और प्रभु देवा एक ऐसे डायरेक्टर है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, रावड़ी राठौड़, आर राजकुमार और वांटेड जैसी फिल्मों को कहाँ पहुंचाया वो आप लोग अच्छे से जानते हो। तो सोचो फिर दबंग फ्रेंचाइज को प्रभु देवा कहाँ तक पहुंचाएंगे। प्रभु देवा इसके अलावा सलमान खान की एक और फिल्म को डायरेक्ट करे जो कि है राधे, जो कि आएगी ईद में 2020 में, वो तो चलो हम उसके लिए एक्साइटेड है, लेकिन इस मूवी के लिए आप लोग कितना एक्साइटेड हो आप मुझे जरूर बता रहे। क्योंकि देखिए मैं मुंबई में रहता हूँ, मुंबई में मैक्सिमम थिएटर हाउसफुल हो चुके हैं, और गेटी बैंड्रा गेटी की बात करूं तो पूरे जितने भी शोज है रात के शोज तो पूरे हाउसफुल खत्म, और जो बीच के शोज है उसमें आपको इक्का दुक्का टिकट मिल जाएगी, उसके अलावा आपको टिकट बहुत मुश्किल हो रहा मिलने की। और अगर कोई थिएटर की टिकट मिल भी रही तो उसकी जो टिकट रेट से ज्यादा हाई है इसके से मिल रही, वरना मैक्सिमम थिएटर मुंबई में फुल है। ये है सलमान खान का स्टारडम जो कि कभी कम नहीं होने वाला, और ये हर एक फिल्म से बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब देखना है कि दबंग थ्री लोगों को कितनी ज्यादा पसंद आएगी, क्योंकि मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। अगर आप लोग भी इतने एक्साइटेड हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बता रहा है भाई। और जो प्रमोशन जो चल रहा है ये प्रमोशन बहुत अच्छी बात है, इस तरीके का प्रमोशन करना ही चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये एक पॉजिटिव वे में आप लोग भी लिए, आप ये मत सोचो कि फिल्म फ्लॉप होगी। हाँ अगर फिल्म जैसी भी है उसका रिव्यू आपको मिल जाएगा, एकदम ऑनेस्ट रिव्यू मिलेगा 20 तारीख को मिलेगा। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जो साथ ही बेल आइकन उसे भी प्रेस कर देना, और अगर हो सके तो इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें। तो बस मैं मिलूंगा आपसे कल किसी नए वीडियो में, टिल देन बाय।